नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट मैं आज आपको कंपाउंड वॉल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर की कंपाउंड वॉल कैसे होनी चाहिए आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आपका अपना घर बन रहा है और आज आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और विचार करें मेरी जो यह सीरीज चल रही है प्लॉट चयन से लेकर प्लॉट शुद्धि तक प्लॉट शुद्धि से लेकर गृह निर्माण तक और गृह निर्माण से लेकर गृह प्रवेश तक इस सीरीज में मैंने आपके लिए बहुत सारी वीडियो पहले बनाई है और आने वाले समय में मेरी और भी बहुत सारी वीडियो आ रही है मैं अपनी हर एक वीडियो में वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी दे रहा हूँ मेरे को वास्तु विजिट करते हुए चौबीस साल हो गए हैं और जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूँ वो है कंपाउंड वॉल आपका प्लॉट साउथ ईस्ट फेसिंग यानी आग्ने मुखी है तो ऐसे में आपको अपने कंपाउंड वॉल का वास्तु कैसे सही करना है इसके बारे में आपको सारी बातें डिटेल से बता रहा हूँ सबसे पहले तो आपके प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है और आप अपने प्लॉट के अंदर जो बिल्डिंग बना रहे जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो प्लॉट के सेंटर में बना रहे हैं मध्य भाग में बना रहे हैं और चारों तरफ से आप अपना ओपन एरिया रख रहे हैं तो ऐसे में जो आपकी अपनी कंपाउंड वॉल है उसमें साउथ वेस्ट की दीवार साउथ से साउथ वेस्ट होते हुए वेस्ट तक ये दीवार थिक होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए और ऊंचाई में सबसे ज़्यादा ऊंची होनी चाहिए उसके बाद आपकी साउथ ईस्ट की दीवार यानी फ्रंट की दीवार और बैक साइड की दीवार यानी नॉर्थ वेस्ट की दीवार ये दोनों दीवारें एक लेवल की होनी चाहिए इनको नौ इंच की भी रख सकते हैं आप इन दोनों दीवारों को एक लेवल की मोटाई में रखना है और हाइट में भी इक्वल रखना है बराबर रखना है और जो आपकी अपनी नॉर्थ ईस्ट की दीवार है ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ कॉर्नर तक ये दीवार आपकी साउथ वेस्ट की दीवार से भी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दीवार से भी साउथ ईस्ट की दीवार से भी नीची होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए इस बात का आपने तौर पर ध्यान रखना है अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं आपके प्लॉट का साइज थोड़ा छोटा है और आप यह चाहते हैं कि एक दीवार पर बिल्डिंग बनाएं और तीन तरफ से ओपन एरिया रखें तो ऐसे में आपको अपने साउथ ईस्ट फेसिंग प्लॉट में बिल्डिंग साउथ वेस्ट की दीवार पर बनानी चाहिए कहां बनानी चाहिए साउथ वेस्ट की दीवार पर ऐसे में आपका साउथ वेस्ट का एरिया भारी भी हो जाता है कवर्ड भी हो जाता है और पूरी की पूरी बिल्डिंग आपकी साउथ वेस्ट पर आ जाती है जिसे एज पर वास्तु सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये एक बेसिक पॉइंट है और बिल्डिंग बनाते समय इन बेसिक पॉइंट का तो सबसे पहले ध्यान रखना ही चाहिए तो सारी की सारी बिल्डिंग आपको साउथ वेस्ट की दीवार पर बनानी चाहिए उसमें आपका साउथ ईस्ट का एरिया यानी फ्रंट का एरिया भी ओपन हो जाता है नॉर्थ वेस्ट का एरिया भी बैक साइड का एरिया भी ओपन हो जाता है और इसी के साथ जो आपका नॉर्थ ईस्ट का एरिया ये भी आपका अपना ओपन एरिया हो जाता है ऐसे में जो आपकी साउथ ईस्ट की दीवार है और नॉर्थ वेस्ट की दीवार है ये दोनों इक्वल रखनी है और नॉर्थ ईस्ट की जो दीवार है ये दीवार हल्की सी नीचे रखनी है हल्की सी नीचे का मतलब है चाहे इसको एक रद्दा नीचे रखे दो रद्दे नीचे रखे लेकिन इसको हमेशा ही नीचा रखना है जो आपकी अपनी साउथ वेस्ट की वॉल है क्योंकि साउथ वेस्ट में आपने बिल्डिंग बना दी उसके बाद जो साउथ कॉर्नर का हिस्सा साउथ और साउथ वेस्ट में वेस्ट का हिस्सा जो बनता है ये दोनों दीवारें ये दीवार और ये दीवार यह दोनों दीवारें एक लेवल की होनी चाहिए मोटी होनी चाहिए और ऊंची होनी चाहिए किससे नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट से और नॉर्थ ईस्ट से यह काम आपने हर हालत में करना है ऐसे ही यदि आपका प्लॉट का साइज छोटा है और आप ये चाहते हैं लेफ्ट टू राइट पूरी बिल्डिंग बने फ्रंट और बैक में ओपन एरिया हो कई बार क्या होता है कि एज पर नॉर्म्स ऐसे होते हैं जिसमें फ्रंट में भी ओपन एरिया रखना पड़ता है और साइड में भी ओपन एरिया रखना पड़ता है ऐसे में होता क्या है कि क्लाइंट की मजबूरी हो जाती है कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उससे ऊपर होकर नहीं जाया जा सकता तो ऐसे में आपने करना क्या है कि जो बिल्डिंग लेफ्ट टू राइट आप दीवार पर बनाते हैं यानी साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक पूरी की पूरी बिल्डिंग बीच में बना देते हैं साउथ ईस्ट का एरिया भी ओपन रह जाता है और नॉर्थ वेस्ट का भी एरिया ओपन रह जाता है ऐसे में जो आपके अपनी साउथ ईस्ट की दीवार है ये बाउंड्री वॉल आपकी स्मूथ होनी चाहिए एक लेवल की होनी चाहिए दीवार मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए कई बार होता है क्या है कि डिज़ाइन के चक्कर में दीवार को कहीं से मोटा कर देते हैं कहीं से पतला कर देते हैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसा करने से वास्तुदोष बनता है और जिस हिसाब से दीवार मोटी पतली होती है आगे पीछे होती है तो उसके कारण कई प्रकार की समस्याएँ घर के अंदर आ जाती है चोट लगने के भी कारण बनते हैं एक्सीडेंट होने के कारण भी बनते हैं और बेवजह की टेंशनें हमेशा बनी रहती है तो इसलिए आप अपने घर की साउथ ईस्ट की दीवार को यानी फ्रंट की बाउंड्री वॉल को कंपाउंड वॉल को सही जरूर करें घर ना तो बार बार बनाए जाते हैं और हर आदमी अपने घर को इसलिए बनाता है कि वो व्यक्ति अपने घर के अंदर सुखदायक जीवन व्यतीत कर सके कुछ लोग होते हैं दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने घर के ऐसी तैसे कर लेते हैं ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग तो हमेशा ही बात बनाते हैं रहना तो आपने हैं आप सुखी हैं तो सारा जगह सुखी है आप दुखी है तो सारा जगह दुखी है तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को एज पर वास्तु प्रॉपर सही तरीके से बनाएं तो ऐसे में जो साउथ वेस्ट की दीवार है साउथ कॉर्नर भी और वेस्ट कॉर्नर भी ये दोनों दीवारें वैसे ही मोटाई में भी ज़्यादा रखनी है थिक भी रखनी है और हाइट में ज़्यादा भी रखनी है साउथ ईस्ट की वॉल और नॉर्थ वेस्ट की वॉल ये दोनों दीवारें एक लेवल की होनी चाहिए मोटाई में भी यानी थिक में भी और ऊंचाई में भी और साउथ वेस्ट की दीवार से नीची होनी चाहिए और जो आपकी नॉर्थ ईस्ट की वॉल बनती है उसमें ईस्ट कॉर्नर और नॉर्थ कॉर्नर ये दोनों दीवारें आपकी एक लेवल की होनी चाहिए वही सेम सिस्टम साउथ ईस्ट से भी और नॉर्थ वेस्ट से भी नीचे रखनी है और पतली रखनी है इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा अपने ये मानना है कि आपकी बिल्डिंग समय पर भी बनेगी और आपकी बिल्डिंग का वास्तु भी हमेशा सही रहेगा अंदर का तो वास्तु एज पर वास्तु बनेगा ही और जो कंपाउंड वॉल है कंपाउंड वॉल का भी वास्तु सही हो जाएगा मान लीजिए आपके यहाँ आपका घर बना हुआ है या आपका घर लगभग बन चुका है फिनिशिंग पर है और आपको बहुत सारी दिक्कत आ रही है आपका साउथ ईस्ट का भाग दीवार में नीची है और नॉर्थ वेस्ट की दीवार ऊंची है तो ऐसे घर में रहने वालों में बेवजह की टेंशन बनी रहती है लीगल इशू होने के कारण बनते हैं झगड़े होने के कारण बनते हैं देर सवेर एक्सीडेंट होने का कारण भी बनता है क्योंकि साउथ ईस्ट का भाग जब भी नीचा होता है किससे नॉर्थ वेस्ट से तो उस घर के अंदर एक्सीडेंट होने के कारण भी देर सवेर बनते हैं आप ऐसे घर में रह रहे हैं बार बार आपके यहाँ चोट लगती है एक्सीडेंट होता है तो आप अपने घर की कंपाउंड वॉल को जरूर चेक करें कहीं आपकी नॉर्थ वेस्ट की वॉल ऊंची है और साउथ ईस्ट की वॉल आपकी नीची है यदि ऐसा है तो आप अपने उन दीवारों को सही जरूर करें ऐसा करने से आपके यहाँ जो समस्याएं चल रही उन समस्याओं से आपको राहत मिलती चली जाएगी आप जरूरत से ज़्यादा परेशान हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने यहाँ पर बदलाव करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझें और विचार करें आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लगता है सही है और आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं आपके यहाँ चार दीवार में कंपाउंड वॉल में वास्तु दोष बना हुआ है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे, छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव लिखा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके घर को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे आप सभी अपना कीमती समय निकल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार